हेलो बच्चा बाटे, वेलकम टू रेकर वाड़े यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो? जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में बात किया था टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे पहला जो था वो नल सेट था, दूसरा सिंगलटन सेट था और तीसरा देखे थे हम लोग फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को देखने के साथ साथ हम लोग ये भी बात किए थे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है ना। तो बहुत अच्छे से पिछला क्लास में बहुत डिटेल में नल सेट, फाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट के बारे में पोस्टमार्टम हो चुकी है। तो अभी इस वीडियो में बिना किसी लेट का तुम्हारे पास मैं लेके आ रहा हूं, और जो बाकी सेट बच गया था वो सब बहुत अच्छे से। तो जो बचा था भैया, अगला जो तुम्हारा था वो था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो मैंने आपको बताया था बच्चे बाटे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट वो ऐसे सेट को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हो, है कि नहीं? कोई भी सेट फाइनाइट सेट कब कहलाएगा? जब आप उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आराम से काउंट कर सकते हो, है ना, कि 10 एलिमेंट है या 20 एलिमेंट है या 50 एलिमेंट है या 500 एलिमेंट है, आप बड़ी आसानी से एलिमेंट काउंट कर सकते हो, तो वो हमारा होगा फाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते नहीं हो। तो लिख रहे हैं ए सेट इन विच वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझे बच्चे बेटे? ए सेट इन विच, ऐसा सेट जिसमें हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं क्या, कि कितना नंबर है एलिमेंट का, कितना है, एक है या दो है या चार है या पांच है, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट। एग्जांपल देख लो, तुमको समझ में आएगा। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बता दो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? वन से शुरू होता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो क्या आप बता सकते हो कितना एलिमेंट होगा? आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह तुम कहां बकोगे बताओ? कोई बोलेगा सर इनफाइनाइट होगा। अरे इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट कोई नंबर बताओ ना, क्या इनफाइनाइट? तो नंबर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नंबर होता है ना, परिभाषित नंबर नहीं होता। इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं होता, समझ लो। जैसे कि तुमको बोले कि समुद्र में कितना पानी है, कितना लोटा पानी है, तो तुम क्या बताओगे? इनफाइनाइट लोटा है। अरे क्या होता है इनफाइनाइट? काउंट करके बताओ ना कितना होगा, तो काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही अगर हमारा नेचुरल नंबर का सेट बोल रहा है तो नेचुरल नंबर हम काउंट कर सकते नहीं है, इसीलिए हमारा इनफाइनाइट सेट। दूसरा बच्चा देखना, सेट ऑफ होल नंबर, क्या बता सकते हो कि कितना होल नंबर हमारे पास है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट सेट। तीसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, बता सकते हो इनफाइनाइट है कि नहीं है? 10 से बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, 10 से बड़ा नेचुरल नंबर का सेट बताओ। तो 10 से बड़ा 11 आता है, 12 आता, 13, 14, 15, 16, 17, और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए बच्चा तुम नहीं बोल पाओगे इसको कि ये फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं बता सकोगे कि इसमें कितना एलिमेंट आएगा, 10 आएगा कि 50 आएगा कि 5 लाख आएगा। वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट काउंट, समझ लो। जब आपको इस तरह का समस्या आ जाए कि एलिमेंट काउंट नहीं कर सको, तो बच्चे पाटे ऐसे सेट को बड़े ही आराम से बोल देना इनफाइनाइट सेट, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा इससे उदाहरण देने की जरूरत है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर का सेट बताओ, तो आप बोलोगे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो काउंट कर लिया ना, 4 ही मात्र है, कर लिया, तो क्या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ी आसानी से हम काउंट कर लिए
कि जो प्राइम नंबर है वो 10 से छोटा प्राइम नंबर मात्र 4 ही होगा, 2, 3, 5 और 7 मात्र 4 ही होगा, है ना। और इस प्रकार वो इनफाइनाइट नहीं हुआ क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लिए। बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहा, क्या तुम्हें इनफाइनाइट सेट समझ में आया? मुझे लगता है समझ आ गया। अब कुछ बातें सुनना इनफाइनाइट सेट के लिए, एग्जाम्पल ले देता हूं, नोट में लिखाता हूं। अगर कोई इससे बच्चे बाटी गौर से एकदम मेरा क्लास तुम करते हो ना एकदम सिस्टमेटिकली, मेरे बातों पे ध्यान रखना और बाकी तुम सुनना ना यार, यू विल बिकम चैंपियन इन मैथ्स, लेट मी टेल यू, समझ गए, यू विल डेफिनेटली गोना रॉक द वर्ल्ड, आप दुनिया में अजर अमर हो जाओगे मैथ को लेकर, ठीक है, समझ लो। मेरा फेवरेट 11-12 अभी तो एंट्री लिए हो, मजा बहुत दिलाऊंगा, ठीक है, खाली तुम साथ रहना मेरे साथ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस करना, बहुत बहुत हल्का है 11-12, बहुत इवन 10 से भी हल्का है। लोग बोलता रहा यार 11-12 पता नहीं क्या होगा, मैं तो कहता हूं आके तो देखो क्या होगा, ऐसे बोला रहा मैं तो, समझ गया। आइए नोट, अगर कोई तुम्हारा इनफाइनाइट सेट होगा तो एक बात तो पक्की है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएगा, ठीक है, वी कैन नॉट राइट इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, वी कैन नॉट राइट इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर, क्यों नहीं लिख सकते, आओ यहां पर देखा, जैसे मैं अगर बोलूंगा एग्जाम्पल आप देखना, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, आप बताओ क्या लिख सकते, आप रोस्टर फॉर्म में क्या डालोगे, अब बोलो सर मैं एक लिख दूंगा बहुत बड़े, दो लिख दूंगा बहुत बड़े, तीन लिख दूंगा बहुत बड़े, चार लिख दूंगा बहुत बड़े, रियल नंबर होता क्या है, कुछ भी सोच रहे हैं वो रियल नंबर है ना, समझ लो, कुछ भी सोच रहे हैं वो रियल नंबर है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा थिंकिंग अगर एग्जिस्ट कर रहा है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे, तो रियल नंबर, तो यहां पे क्या ही पैटर्न दोगे, है ना। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने वाला हूं, रोस्टर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, आप सोच के लिखो, आप 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4, क्या कोई पैटर्न है, ये तो रियल नंबर थोड़ी हुआ, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, और फिर क्या पूरा नेचुरल नंबर लिख सकते हो क्या, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप नेचुरल नंबर को लिख सकते हो, लेकिन क्या आप रियल नंबर को लिख सकते हो ऐसे, अब बोलोगे नहीं। तो इसीलिए बच्चा बेटी याद रखना कि कभी भी हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, हमेशा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते, और इसीलिए तो सेट बिल्डर फॉर्म आया है, समझ लो, रोस्टर फॉर्म के बाद सेट बिल्डर फॉर्म आया है, और आपको पता होगा कि बाद में इसीलिए कुछ आता है ताकि जो पहला आता है ना वो हर काम में सक्सेस नहीं पाता है, समझ लो, पहला मेथड जो लाया वो हर जगह लगता नहीं है, इसीलिए दूसरा मेथड आता है, जैसे तुमको पता होगा ट्रेन आई ना, ट्रेन आई ना, ट्रेन के बाद एरोप्लेन क्यों आया, बता दो ना, क्योंकि ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम ज्यादा लेते थे, इस टाइम को रिड्यूस किया कौन, कम किया कौन, एरोप्लेन, और इसीलिए एरोप्लेन आया, तो आसान कौन है, ट्रेन या एरोप्लेन, अब बोलोगे एरोप्लेन, सही बात है ना। अगर मान लीजिए कि आपको सिमुतला से कोलकाता जाना है ट्रेन से और एरोप्लेन से, तो कौन पहुंचा देगा आपको जल्दी, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप बोलोगे ट्रेन, ना ना ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे एरोप्लेन में, क्यों, क्योंकि एरोप्लेन बाद में आया बच्चे, समझ रहे हो, वैसा ही यहां पे इनफाइनाइट सेट, मतलब जो हम रोस्टर सेट को जो लिख रहे थे ना, रिप्रेजेंट कर रहे थे, तीन तरीका बताया था, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म बच्चा रोस्टर के बाद आया है, और रोस्टर में जो कमी रह गई थी ना वो सबको दूर करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म आया, इसीलिए इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो चूंकि इनफाइनाइट सेट को जब रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा था, तो वैज्ञानिक जो लोग थे ना, जो आपको जॉर्ज कैंटोर जो बताया था ना, इनके दिमाग में एक बत्ती जल गया कि फिर लिखेंगे किसको, इसको कैसे, तो जाके इन्होंने दूसरा नियम लाया और उनको बोलते हैं सेट बिल्डर, समझ में आया, तो पक्का याद रखना कि कभी भी तुम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, दूसरा लोग बताओ, ये तो मैं लिखा हुआ ना नेचुरल नंबर को लिखा हूं,
नेचुरल नंबर को फिर भी लिख रहा है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में एक क्या है, रिलेशन है, वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा, लेकिन रियल नंबर के लिए ये नहीं लिखा जा सकता, समझ रहे ना? इसीलिए हम रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट स्टेप को नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट, वी कैन नॉट फाइंड कार्डिनल नंबर फॉर इनफाइनाइट स्टेप। समझ में आया? हम कार्डिनल नंबर भी नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट सेट का। अब बोलो क्यों? तो बताओ ना, कार्डिनल नंबर होता क्या है? किसी सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सही बात है ना? किसी सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो यहां पे इनफाइनाइट सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है बताओ दो। आप बोलोगे सर पता नहीं, जब पता ही नहीं है तो कहां से लाओगे कार्डिनल नंबर, समझ लो। तो इसीलिए बच्चों दिमाग में खोस लियो क्या कि कार्डिनल नंबर हम इनफाइनाइट सेट का नहीं बता सकते हैं, समझे? याद रखना, बोलने जाना, कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट का नहीं बता सकते। तो समझ में आ गया होगा, इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं हो सकता, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं हो सकता उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते और उसका कार्डिनल नंबर भी नहीं बता सकते। ये था टोटल पोस्टमार्टम इनफाइनाइट सेट का। चलिए आपको लेकर चलते हैं इनफाइनाइट सेट के बाद तेरे पास लेके आया हूं मिलाने किसको, इक्वल सेट्स को। तो देखो नाम से ही पता है क्या, इक्वल नाम से क्या पता है, इक्वल। तो आइए यहां, अब इक्वल सेट होगा तो इक्वल सेट कब होगा, जब दो सेट होगा, है ना? तो यहां पर वही बात लिखेंगे, टू सेट्स आर said to be equal if their cardinal number is equal and elements must ऑल्सो इक्वल। सुनिएगा, कह रहा है इक्वल सेट किसको बोलेंगे? तो दो सेट इक्वल कहे जाएंगे कब, जब उसका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा। कार्डिनल नंबर समझते हो, अगर कोई एक सेट है उसमें चार एलिमेंट है तो दूसरा सेट में भी चार ही एलिमेंट होना चाहिए, पांच नहीं होना चाहिए, छह नहीं होना चाहिए, चार मतलब चार ही होना चाहिए, ठीक है? तो पहला कंडीशन ये था कि कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा ये वाला, एलिमेंट मस्ट ऑल्सो इक्वल, मतलब ऐसा कि पहला सेट में अगर चार एलिमेंट है ना तो दूसरा सेट में भी चार ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन पहला सेट में जो चार एलिमेंट था सेम, सेम मतलब सेम, जिसको डिट्टो बोलते हैं ना, वही एलिमेंट दूसरा सेट में भी होना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर ऊपर नीचे है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। मेरे बातें समझे कि मैं खुट हवा बोलू ना, समझ गया? आ जाओ उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हमारा कोई सेट है, इसके पास बच्चा वन टू थ्री एलिमेंट, वन टू थ्री तीन एलिमेंट है, ठीक है? तो अगर आपको ए के पास कितना दिख रहा है, तीन एलिमेंट दिख रहा है, हमारे पास एक बी एक सेट है जो क्या है वन थ्री टू, इसके पास भी तीन एलिमेंट तीन है, यहां पे एक और सी सेट है इसके पास भी तीन एलिमेंट है, ठीक है बच्चों? आइए अब कार्डिनल नंबर निकालते हैं, ठीक है? देखना यहां पे हम कार्डिनल नंबर निकालते हैं सेट ए का, कितना आएगा? आप बोलोगे थ्री आएगा, बहुत बड़े। कार्डिनल नंबर निकालो सेट बी का, कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे थ्री आएगा, बहुत बड़े। कार्डिनल नंबर निकालो सी का, कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे थ्री आएगा सर, बहुत बड़े। थ्री मतलब कि इसमें भी तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है ना, बोल दो। बिल्कुल है। तो इसमें भी तीन एलिमेंट बच्चों, इसमें भी तीन एलिमेंट और इसमें भी तीन एलिमेंट, तो यहां पे कार्डिनल नंबर तो इक्वल है तीनों में ही, तो क्या मैं तीनों को इक्वल से बोल दो? नहीं नहीं, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। क्या है? एलिमेंट मस्ट ऑल्सो इक्वल, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, समझ लो, एलिमेंट मस्ट ऑल्सो इक्वल। तो आइए
किसमें एलिमेंट इक्वल है? देखिए कार्डिनल नंबर तो तीनों का बराबर है, लेकिन अगर आप ए सेट में दिखोगे तो 1, 2, 3 एलिमेंट, आप बी सेट में दिखोगे तो 1, 3, 2 एलिमेंट। तो यहां पे 1, 2, 3 है, और अगर गौर से इसको देखा, गौर से देखना ठीक है, तो आपको दिखाई देगा 1, 2, 3, यहां पे भी 1, 2, 3 और यहां पे भी 1, 2, 3। ओ माय गॉड, मिल गया ना, क्या मिल गया, कार्डिनल नंबर तो इक्वल मिला ही था लेकिन एलिमेंट्स भी इक्वल मिल गया। इसका मतलब ए और बी क्या कह रहा है बच्चा, हेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट, समझ में आया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि एक ही सेट है ना, एक ही सेट है, समझ में आया? लेकिन क्या ए और सी इक्वल सेट है? बट ए एंड सी कैन नॉट बी इक्वल सेट एट ऑल, बोलो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां पे कार्डिनल नंबर तो बराबर है, कार्डिनल नंबर तो बराबर है, लेकिन बराबर क्या नहीं है, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और इसमें एलिमेंट 3, 4, 5 है, ये 4, 5 इसमें नहीं है और इसमें 1, 2 है जो इसमें नहीं है। तो खाली कार्डिनल नंबर बराबर होने से सेट बराबर नहीं होता, याद रखना ठीक है। इसीलिए ए और सी क्या नहीं हो सकता, ए और सी हमारा बराबर सेट नहीं हो सकता, इसी तरह बी और सी भी हमारा बराबर नहीं हो सकता, समझ में आया? बराबर मतलब इक्वल सेट नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं यार, बोलो ना तुम, आया हो तो इक्वल सेट समझ गया ना। दो सेट इक्वल कब कहलाएगा, जब दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल होगा और साथ ही साथ दोनों में सेम एलिमेंट होगा, समझ में आया? बोलो भाई, मैथ इज ऑल अबाउट हलवा, हलवा, और तुम अगर मेरे साथ रहा ना, मैथ विल बी सुपर हलवा, खाते रहो खाते, मजा आ जाएगा। मैथ बहुत सिंपल है, लोग मुझे बोलता है ना सर आपका साइंस बहुत बड़े है, अरे नहीं है, मेरे को ना लोग साइंस से परखा है, जबकि मैं खुद को मैथ से परखता हूं, मेरा मैथ सुपर से भी ऊपर है, समझ लो, इसलिए मैं कहता हूं ना तुम मेरे साथ मैथ पढ़ के देखो, दिल से, दिल से, दिल इधर है, दिल से ठीक है, मैथ को दिल से पढ़ो मेरे साथ, कनेक्शन ना बन जाना मैथ के साथ दिल में, तो क्या हो बन जाएगा, 100% बन जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना तू कर फॉलो कर ठीक है, मेरे साथ चल बस, बाकी तो यू ही सब कुछ है ना। आ जाओ, तो समझ गया ना बच्चा, इक्वल सेट होने के लिए वी हैव टू कंडीशंस, फर्स्ट कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए और दूसरा कि दोनों ही सेट में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम मतलब सेम ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है चलेगा, जैसे यहां पे ऑर्डर से क्या 1, 3, 2 आया, यहां पे 1, 2, 3 ऑर्डर है, यहां पे 1 के बाद 3 आया, फिर 2 आया, ऑर्डर डजंट मैटर, मैं आपको लिखवा दिया ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, और रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता सेट में, ना तो रिपीटेशन मैटर करता है और ना ही ऑर्डर मैटर करता है। क्या मतलब, सुनना बच्चों, एक तो और उदाहरण दे रहा हूं ठीक है तुमको, जैसे मान लो कि इस वाला सेट है ए, यहां पे 1, 1, 2, 2, 3 एलिमेंट है, ए सेट भी दिया यहां पे कितना है 1, 2, 3 एलिमेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये दोनों एलिमेंट दोनों सेट इक्वल सेट है, क्या बोलोगे आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है, आपने तो बोला था कार्डिनल नंबर इसमें क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, तो इसका कार्डिनल नंबर तो 5 है क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। अरे घोचू, 5 नहीं है, 3 ही है, गौर से देखो, क्यों ऐसा बोल रहा हूं घोचू, इसलिए बोला क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो यार, भाई हो ना, भाई बहन हो जो देख रहे हो, अपना हो, अपने को तो लोग घोचू वोचू बोलते ही है ना, पराया को थोड़ी बोलते, मैं पराया को बोले डर डर लेकर बोलेगा ना, अपने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, सही बात है ना, तो इसलिए दिल पे नहीं ले जाओ मेरा बात को ना। तो ए में कितना दिया है 1, 1, 2, 2 और 3, तो टोटल कितना एलिमेंट दिया है बच्चों, देखो 5 एलिमेंट दिया है ना, तो आप बोलोगे सर इसका जो एलिमेंट इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो तो 5 होगा, जबकि बी का कार्डिनल नंबर होगा ए 3 होगा, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 नहीं होगा, 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 2 बार आया है, और याद रख रहा कि किसी भी सेट में
सेम एलिमेंट वन से एक बार से अधिक बार आया तो उसको सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे भी कार्डिनल नंबर तीन ही है, एक इसको एक बार काउंट करेंगे, इसको भी एक बार करेंगे, इसको भी एक बार, तो तीन है। तो कार्डिनल नंबर तीन तीन है। अब देखो इसमें कितना एलिमेंट है, वन टू और थ्री, इसमें भी वन टू थ्री है, इसका मतलब सेट ए और सेट बी क्या है, बिल्कुल इक्वल सेट, बिल्कुल इक्वल सेट। समझ में आया? समझ में आया? तो दो बातें याद करना, लिख लेना, ठीक है, लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं। नोट का पहला इन सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन मतलब समझ लो, एक जो दो बार आ गया ना वो नहीं आना चाहिए, दो दो बार आ गया ना नहीं आना चाहिए। अगर तुम एक स्टैंडर्ड प्लेयर हो, ताबड़तोड़ प्लेयर हो, तो यू विल नेवर एवर राइट सेम एलिमेंट डबल ट्रिपल फोर टाइम्स फाइव टाइम्स ना राइट, है ना, समझ गया ना? तो बिल्कुल, तो इन सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लिख दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मेक एनी सेंस। लिखो इन सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आ जाओ इधर, यहां पर एक एलिमेंट है, इसमें वन टू थ्री है, यहां भी एक एलिमेंट है, इसमें थ्री वन टू है, तो वन टू थ्री तीन एलिमेंट है, हाँ है, वन टू थ्री इसमें भी तीन एलिमेंट है, हाँ सेम एलिमेंट है, हाँ, तो ए और बी क्या हो गया, सेट बराबर हो। यहां पर थ्री वन टू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम एलिमेंट क्या है कि नहीं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बोलना चाहिए आपको, अच्छे से समझ में आ गया, आ गया वेल, आगे बढ़ते। दो बातें याद रखना कि सेट में रिपीटेशन नहीं करते हैं, किसी भी सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, और दूसरी बात है अगर ऑर्डर उल्टा पुल्टा भी लिख दिया, वन टू थ्री को थ्री टू वन भी लिख दिया, तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आ जाओ इक्विवेलेंट सेट, बच्चे देख रहे हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होगा। तो आपने जैसे कि आपने देख लिया इक्वल सेट, तो इक्वल सेट में हम लोग क्या देखें, दो बातें देखें, एक कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, है ना। यहां पे वो दोनों चीज नहीं काउंट किया जाएगा, यहां पे क्या होगा, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्यू वैलेंट सेट्स इफ देयर कार्डिनल नंबर इज इक्वल। सिर्फ कार्डिनल नंबर, दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा, जब उसकी कार्डिनल नंबर इक्वल हो। क्या यहां पे एलिमेंट का इक्वल होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, अगर एलिमेंट इक्वल है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, सिर्फ कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है तब भी ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सेट ए है बच्चों, इसमें दिया है तीन एलिमेंट, और सेट बी दिया है, इसमें दिया है तीन एलिमेंट, इसमें वन टू थ्री है, और सेट बी में क्या है, ए बी सी, एलिमेंट तो तीन ही है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इधर, ए के अंदर कितना एलिमेंट है ये बताओ, ऑर्डर क्या है एलिमेंट का, कार्डिनल नंबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे थ्री, बहुत बढ़िया। बी का कार्डिनल नंबर कितना है, आप बोलोगे थ्री, थ्री है ना। क्या यहां पे एलिमेंट चेक करने की जरूरत है? नहीं भाई, इसमें नहीं बोला ना, इसमें खाली बोला है कार्डिनल नंबर बताओ। तो अगर कार्डिनल नंबर दो सेट का, कान खोल के सुनो, यदि दो सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए तो तुम ऐसे सेट को क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां पे हेयर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें फिर से वापस उदाहरण देने की जरूरत है, समझ गया ना, समझ गया, आपको दिमाग में आ रहा हो सर अगर कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए तो वेरी नाइस, आप बोलोगे इक्विवेलेंट से, लेकिन कार्डिनल नंबर के साथ साथ अगर एलिमेंट भी इक्वल हो जाए तो बताया मैंने उसको इक्वल सेट बोल रहे ना, तो क्या इक्वल सेट को मैं इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल सकता? हाँ जी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कार्डिनल नंबर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। ये पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण देख लो, ये मान लो कि हमारे पास सी है, एक सेट है, एक्स वाई जेड दिया है, और एक डी सेट है,
इसमें वाई एक्स जेड दिया है, तो क्या है दोनों का कार्डिनल नंबर? देखिए कार्डिनल नंबर सी का देखो कितना है 3, और कार्डिनल नंबर आप डी का देखो बच्चा कितना है 3 है ना, और एलिमेंट देखो ये दोनों क्या है बराबर है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसका मतलब हेयर सी एंड डी आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे सी और डी क्या है इक्वल, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है ना कि एलिमेंट इक्वल है या नहीं है, हो गया तो अच्छी बात है, हमें तो कार्डिनल नंबर चाहिए और कार्डिनल नंबर इक्वल है इसका मतलब इक्वल है। लेकिन आप बोलोगे सर तो फिर इक्वल सेट भी तो है, तो हाँ बच्चा इक्वल सेट भी है, तो याद रखना ना जितना भी इक्वल सेट होता है वो सब इक्विवेलेंट सेट होता है, जितना भी इक्वल सेट तुम्हें मिलेगा वो सब इक्विवेलेंट सेट मिलेगा होगा, लेकिन जितना इक्विवेलेंट सेट मिलेगा वो सब इक्वल सेट नहीं हो सकता। मिल गया ना पता चला, पप्पा मिल गया, किसका इक्वल सेट का पप्पा मिल गया, तो इक्वल सेट का पप्पा कौन है इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट का बेटा या बेटी कौन है वो है इक्वल सेट। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। आ जाओ नोट में लिखते हैं, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू, उल्टा सही नहीं हो सकता ना, समझ गया, उल्टा संभव नहीं है, मतलब ऐसा बोल एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, तो जितना भी इक्वल सेट है ना सब इक्विवेलेंट, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा ऐसा ट्रू नहीं हो सकता है ना, ऐसा ट्रू नहीं हो सकता। वही इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर तो इक्वल होना ही चाहिए, उसके साथ साथ अगर एलिमेंट भी इक्वल हो गया तभी वो ऐसे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा, अदरवाइज सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट का, समझ गया। इसके बाद इक्वल सेट का पिताजी का नाम है इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट का बेटा जी का नाम है इक्वल सेट। बोलो मजा आएगा, हेलो वाले का आ जाओ लास्ट वाला, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नाम ही काफी है, ओहो क्या बात है, सही बता रहा हूं, यूनिवर्सल सेट नाम ही काफी, क्यों, पप्पा ऑफ एवरी सेट है, इसको मैं ऐसा बोल दू पप्पा ऑफ एवरी सेट, समझ में आया, ये क्या है सबका सेट का पप्पा है, जैसे तुम टेंथ तक जब रहते हो ना तो मैं बोलता हूं ना कि वो रियल नंबर जो होता है वास्तविक संख्या वो सारे संख्या का पप्पा है, बोलता हूं ना वैसे ही कुछ है, सारे सेट का पिताजी का नाम है यूनिवर्सल, सारे सेट का पिताजी का नाम है यूनिवर्सल सेट, कैसे देखें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेट्स ऑफ एवरी सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, सेट्स ऑफ एवरी सेट जितना भी है, जैसे अभी तुम पढ़ा ना क्या नल सेट उसका पिप्पा का नाम पप्पा का नाम क्या होगा यूनिवर्सल, सिंगल टेन यूनिवर्सल, सारे सेट का सेट कोई यूनिवर्सल सेट, एग्जाम्पल पहले यहां पे देखो इट इज ऑलवेज रिटर्न इन यू, यूनिवर्सल सेट को हमेशा बड़ा वाला कैपिटल वाला यू से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट को ना वेन डायग्राम इसी चैप्टर से जब आगे बढ़ेंगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल में बताएंगे कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से लिखते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल से लिखते हैं जब अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम, बाद की बात है बाद में लिखेंगे, अदर भाई अभी ये समझना कि जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं यू से लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखो और ये हमारा एक सेट है 1 2 3, बी हमारा सेट है 3 4 5, सी हमारा एक सेट है 3 4 7, और डी हमारा एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे कौन सा सेट है, ऐसा कौन सेट है जो सारे सेट का पप्पा है, बता दो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा सेट है
जिसमें बाकी जो सेट है ना उसका सारे एलिमेंट अवेलेबल। तो देखो यहां पे 1 2 3 है, क्या इसमें 1 2 3 है? हाँ जी है। यहाँ पे 3 4 5 है, क्या इसमें 3 4 5 है? हाँ जी है। यहाँ पे 3 4 7 है, इसमें 3 4 7 है? हाँ जी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ दी इज दी पप्पा सेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया? दे इज द पप्पा सेट ऑफ एवरी सेट। और दे इज द पप्पा सेट ऑफ एवरी सेट का क्या मतलब? दे इज योर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। पकड़ में आया? तो डी हमारा होगा यूनिवर्स। मुझे लगता है समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट उसको बोलेंगे जिसमें सारे सेट का एलिमेंट जाके ठूसा है। जैसे मैं बोलूंगा क्या नेचुरल नंबर का बताओ कौन सा होगा यूनिवर्सल सेट, आप लोग रियल नंबर, वेरी गुड। वैसे होल नंबर भी होगा नो डाउट, लेकिन रियल नंबर होगा सबका, क्योंकि होल नंबर का भी अल्टीमेटली क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। मैं बोलूंगा रेशनल नंबर का बताओ रियल नंबर, इरेशनल नंबर का रियल नंबर, आप लोग रियल नंबर का बताओ। तो अभी फिलहाल नहीं जानता, लेकिन मैं बता देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर सबका पप्पा होता है ना। डिटेल में पोस्टमार्टम करके बिल्कुल चिल होकर चलना है अपने को, मैथ का हलवा बनाना। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बना के देंगे तुमको मैथ में, एजुकेशन में, ठीक है? मैथ नहीं यार, एजुकेशन में हर सब्जेक्ट जो तेरे बीच लेके आऊंगा एकदम ऐसे पट्टा पट समझ में आएगा, यहां फिट कर देना, फिट समझ में आएगा। क्रिएट का पूरा पोस्टमार्टम सेट का, सेट के टाइप का। मजा आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसको और समझने की कोशिश करो, और तुम्हारे जैसा जो जरूरतमंद बच्चे होगा उसका भी दबा के चैनल को शेयर करो, ताकि आने वाला कल जो रिवॉल्यूशन ठान लिया हो कि आने वाला कल फोड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा धमाके वाला करने वाले हैं, और इस धमाका नॉट ओनली इन इंडिया, इट विल साउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ लो ये पूरे वर्ल्ड में साउंड करेगा, ऐसा कुछ धमाका करने वाले हैं। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके दबा के इस चैनल को ऐसे बच्चों के साथ शेयर करो जो बच्चा जरूरतमंद हो, जो बच्चा सच में ऐसे पावरफुल पैक एजुकेशन चाहिए जिसको, ऐसे लोगों के बीच शेयर करो दबा के। कंजूसी मत करो, और क्या है, अच्छे से पढ़ो, बड़ों लोगों का सेवा करो, छोटों से प्यार करो, और अपनी जिंदगी में बड़ा बड़ा फोड़ने की कोशिश करो। बड़ा हमेशा सोचो, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, अपने लक्ष्य की तरफ पागल रहो, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी हो मचाते रहो। थैंक यू।